जय गुरुदेव। बात सन 1956-57 की है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पहले नामदानी शिष्य हुए विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जिनको सारी संगत शंभू जी के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानती है। सत्संग के शुरुआती दिनों में शंभू जी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ रहने का खूब सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि शंभू जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ट्रेन के थर्ड क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहे थे। इतना पैसा तो था नहीं कि उच्च श्रेणी के डिब्बे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वे यात्रा करा पाते। भीड़ बहुत थी, फिर भी किसी भी तरह मशक्कत करके एक सीट खाली कराकर सीट पर तौलिया बिछाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को उन्होंने सीट पर बैठाया और स्वामी जी महाराज के पास ही खड़े हो गए। भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग सामान रखने वाली ऊपर की रेकों पर भी बैठे हुए थे। अभी ट्रेन थोड़ी दूर ही गई थी कि ऊपर बैठे एक व्यक्ति ने अपना पैर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सर के पास लटका दिया, क्योंकि वह व्यक्ति ऊपर के सामान वाली रेक पर बैठा था और परम पूज्य स्वामी जी महाराज निचली सीट पर बैठे थे। यह देखकर शंभू जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस व्यक्ति के पैर को ऊपर ढकेल दिया और उसके ऊपर बड़ा ही बिगड़े कि आखिर उसने अपना पैर नीचे लटकाया तो क्यों लटकाया। जब स्वामी जी महाराज ने यह देखा तो वे शंभू जी को समझाने लगे कि अरे भाई, यह ट्रेन है, जाने दो, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। उस समय तो स्वामी जी महाराज की आज्ञा से शंभू जी शांत हो गए, लेकिन उनके हृदय को बड़ी ही चोट पहुंची। यात्रा पूरी करके जब स्वामी जी महाराज और शंभू जी घर आए तो शंभू जी ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि स्वामी जी महाराज, एक कार तो अब खरीद ही लीजिए। यह सुनकर स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, तुम जानते भी हो कि कार कितने में मिलती है। तो शंभू जी बोले कि नहीं नहीं स्वामी जी, यह तो मुझे पता नहीं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बहुत रुपया लगता है, तुम्हें अपनी पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। यह सुनकर शंभू जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज दे देंगे, पर ट्रेन में चलना मुझे बहुत खराब लगा, आपका ट्रेन से आना जाना मुझे मंजूर नहीं। उनकी तनख्वाह ही कितनी थी, मात्र 142 रुपये। जब एक महीने बाद उन्हें तनख्वाह मिली तो उस समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बनारस में चौका घाट के एक्साइज इंस्पेक्टर साहब श्री विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव के यहाँ थे। तो शंभू जी अपनी तनख्वाह लेकर बनारस गए और उसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने रख दिए। स्वामी जी महाराज ने यह देखा तो वे एक्साइज इंस्पेक्टर साहब से बोले कि देखो, यह शंभू पागल हो गया है, कहता है कि आप कार खरीद लीजिए, और जब मैंने कहा कि बहुत रुपया लगता है, तुम्हें अपनी पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो देखिए पूरी तनख्वाह लेकर आ गया है कि ले लीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी महाराज, ठीक ही तो कह रहा है शंभू। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक कह रहा है, तो तुम सब लोग भी एक महीने की तनख्वाह दो। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है स्वामी जी, हम लोग भी दे देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तो फिर ठीक है, फिर फीएट कार लेंगे, जिसमें पेट्रोल का खर्चा कम पड़ेगा, उसका दाम 12,000 रुपया है। अगर तुम लोग 6,000 रुपया इकट्ठा कर दो तो बाकी 6,000 रुपये का बंदोबस्त हम कर देंगे। और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लखनऊ में कार का ऑर्डर दे दिया। 3 महीने में सब लोगों के सहयोग से रुपये इकट्ठे हो गए और स्वामी जी महाराज भाई शालिग्राम मिश्रा जी को लेकर लखनऊ गए और अक्टूबर सन 1957 में कार खरीदी गई और उस ऐतिहासिक कार का नंबर है UPL 2745। वह ऐतिहासिक कार आज भी कारों के बेड़े में रखी है। उन दिनों कार खरीदने पर दुकानदार अपनी ओर से ड्राइवर देते थे, जो कार चलाकर मालिक जहां कहे वहां तक पहुंचाता था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कार लेकर ड्राइवर से चलवाकर फैजाबाद तक आए, वहां से ड्राइवर को वापस कर दिए और फैजाबाद से स्वयं कार चलाकर सीधे आजमगढ़ चले गए।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज कार चलाना कब और कहां सीखे यह किसी को नहीं मालूम। आजमगढ़ में सभी सत्संगियों को कार देखकर बड़ी ही खुशी हुई। कार ठाकुर गया सिंह जी के हाथे में खड़ी की गई, फिर कार की पूजा हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संगियों से कहा कि कार तो मैं स्वयं चला लूंगा, तुम्हें ड्राइवर का खर्च नहीं देना होगा, लेकिन पेट्रोल का खर्चा तो तुम्हें देना ही होगा, इसलिए 4 आना महीना प्रति सत्संगी कार के पेट्रोल के लिए देगा। कार के आ जाने से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ और भी 2-3 लोग सत्संग में साथ जाने लगे, और उन गांवों में कस्बों में जहां सत्संगी तो थे पर बस और ट्रेन से स्वामी जी महाराज पहुंच नहीं पाते थे, अब कार के आ जाने से परम पूज्य स्वामी जी महाराज सब जगह पहुंचने लगे। इस प्रकार कार के आ जाने से सत्संगियों को बहुत लाभ हुआ। जय गुरुदेव।